राजमा चावल। ये भागीरथी है इधर, इस तरफ अलकनंदा है, और यहाँ पे ये गंगा का उद्गम स्थल है। ऐसा इतना से और आगे जाएगा तो पूरा पानी हो जाए इसमें पूरा। अभी आप इधर देख पा रहे हो, अब इधर देखो घूम के एक बार, ये देखो। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो भाई अभी जा रहे हैं हम उत्तराखंड टूर पे। ये हमने उत्तराखंड का टूर शुरू कर दिया है और कई जगह पे जाएंगे, जैसे बद्रीनाथ भी जाएंगे, माना विलेज भी जाएंगे, तुंगनाथ भी जाएंगे, केदारनाथ भी जाएंगे। कई रूट पकड़े हुए हैं और आगे अभी हमें जो है जैसे भाई को लेना है बहादुराबाद के पास से, तो फिर वहाँ से हम निकलेंगे दोनों साथ में और ये जर्नी साथ में करेंगे। तो अभी हम जो है गंग नहर पे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये नहर जो है वहाँ से निकलती है हरिद्वार से, तो उसी की पलटी है सीधा हरिद्वार ही निकलेंगे। और तो गंग नहर की पलटी से दोस्तों अभी फिलहाल ऋषभ भाई के गांव की तरफ मुड़ गए हैं और ये रूट उनके गांव की तरफ जा रहा है, मात्र 6-7 किलोमीटर है, बस उनको रिसीव करना है, तुरंत निकल रहा है यहाँ से आगे की तरफ। तो दोस्तों ऋषभ भाई को भी ले लिया है हमने, रिसीव कर लिया है घर से और चल दिए हम यात्रा पर अपनी। अब ये बताओ कहाँ चलोगे पहले? गोवा से पहले जाएंगे हम केदारनाथ। अच्छा, और इसी के इसके बीच का मजा लेते हुए सारा रास्ते सारा शूट करते हुए चलेंगे और लोगों को पूरा दृश्य दिखाएंगे कि कितना मजा उत्तराखंड में घूमने का। चारधाम यात्रा कितनी देर लग जाएगी? चढ़ाई कितनी है? चढ़ाई लगभग ये हमें पड़ेगी 264 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी हमें, ये 264 किलोमीटर। वहाँ केदारनाथ की तो लग रहा है 20 किलोमीटर होगी ना टोटल। वो तो 22 कभी कोई 18 पता हुआ, कोई 16 पता हुआ, लेकिन जब चल रहा था वो तो 22 किलोमीटर चली जा, 22 किलोमीटर समथिंग पड़ जाओ पूरी। अच्छा घंटे घुमा दी पड़ेगी उसकी। ये देखो भाई पुल बड़ा खतरनाक बनाया चढ़ाई का, एकदम खतरनाक चढ़ाई है, खतरनाक ढलाई भी। अच्छा जी, हाँ अभी देखते आगे, मतलब लोहे का पुल डायरेक्ट ऐसे उठा दिया ऊपर और जो का तो उठा दिया ऐसे, सारे पहाड़ों को ये पुल मिलेंगे देखने को, 8 फुट गहरा नीचे। तो भाई पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं, अपना काम खत्म कर लें क्योंकि ये जरूरी है फ्यूल का। दोस्तों फिलहाल अभी हरिद्वार में है और गंगा का पुल हमने अभी पार किया है, सबसे लंबा पुल है ये पूरे उत्तराखंड का। और अभी सामने आपको पहाड़ देखने शुरू हो गए होंगे क्योंकि हम ना चिला रोड की तरफ से निकले गए। अगर ऋषिकेश से अंदर एंट्री लेते हैं तो भीड़ मिलती, तो इधर बार बार निकले गए और इधर से व्यू भी अच्छा है काफी, नज़ारे दिखने अभी शुरू हो गए, मंदिर सामने देख सकते हैं, ये समझो ये शुरुआत है पहाड़ों की। दोस्तों एक नदी किनारे रुक गए हैं, यहाँ सामने देखोगे तो आप ये इधर बिजली बन रही है, जल विद्युत गृह है चीला, ये चीला रेंज है, वहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, ये बिजली का मिल रहा है टर्बाइन के हिसाब से बन रहा होगा ना, उधर से पानी भी उतर रहा है ऊपर से और ये पूरा आगे की तरफ जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे आसपास में जितना भी बिजली है उधर देखो, वहाँ पे पावर हाउस भी लगा हुआ है, तो ये पूरा बिजली बनाने के लिए पूरा बांध बनाया गया यहाँ पे। तो रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, आज हम सीधा केदारनाथ जी जाएंगे, रास्ते में रुकेंगे और उसके बाद जो है कल हम पहुँचेंगे फिर केदारनाथ। देखो अभी दोस्तों रास्ते में रुक गए थे तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कमाल की, ये आप नहर देख रहे हो ना, ये नहर नदी के नीचे से निकल के आ रही है, बरसाती नदी के नीचे से। अभी आप देखो पानी आ रहा है उधर से, इधर ये यहाँ पे पुल बनाया हुआ है और अभी आप आगे देखो ये देखो यहाँ पे सूखा पड़ा है बिल्कुल खाली, इधर से गाड़ियाँ जा रही है ये, तो उधर से जो नहर है ना उसके नीचे से आ रही है निकल के, ये देखो ये आ रही है निकल के। अभी आप इधर देख पा रहे हो, अब इधर देखो घूम के एक बार, ये देखो कितना खाली है, इधर से वो जा रहा है सड़क, उधर से सामने से नहर वहाँ से आ रही है सामने से, वो सामने जो आपको दिख रहा है पुल सा, और इसके नीचे से आ रही है करीब कई फुट 5-6 फुट नीचे ले जाके तब इधर निकाला गया है पानी। अब यहाँ से आगे की तरफ निकल रहे हैं हम, पानी भरा हुआ है, दरअसल ये बरसाती नदी का ही पानी आ रहा है, तो थोड़ा आराम से पार करना पड़ता है यहाँ पे, कि पता नहीं कहाँ पत्थर आ जाए नीचे, गाड़ी में अड़ जा। इस तरह के रास्ते ना जगह जगह मिल जाएंगे उत्तराखंड में। और ये सामने है वो जो हम बता रहे थे ना आपको नदी, ये सामने उसका पुल है, अब इधर से वो निकल के दूसरी तरफ जा रही है नदी, इसके नीचे को निकल के मैंने पहले आपको दिखाया था वो दूसरी तरफ था, अब इसके हम दूसरी तरफ आ गए हैं, ये आप देखो ये है वो, आप देखोगे सामने वो राफ्टिंग हो रही है, देखा होगा आपने ऋषिकेश में ऊपर से आ रहे और ये अलग अलग जो बोट है इधर है 1-2-3, तो लोग राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं पूरा, सेफ्टी बोट है, एक बंदा यहाँ पे है ये सेफ्टी बोट है, अगर कोई अगले वाले बोट गिर जाए तो किसी बंदे को पकड़ने, मान लिया उनमें से कोई गिर गया ना पीछे से तो ये बंदे को पकड़ने के लिए होता है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये डेंजर पॉइंट है क्योंकि पानी नीचे की तरफ है तो कई बार नाव पलट जाती है, यहीं पे पलटती है। तो देखो दो है वहाँ पे, कितना कम है पानी, एक है दो है,
तो देखो पहले अलर्ट हो गए वो, देखो वो कैसे डुबकी लगा। और अभी हम यहाँ से निकले गए यहाँ से, तो ये राफ्टिंग पॉइंट था यहाँ पे। कितना ले रहे फिलहाल ये? 600 रुपये से 800 रुपये पर बंदा सीजन के हिसाब से। शनिवार को है तो 800 रुपये, और शनिवार से शनिवार संडे को 800-900 रुपये रहता है। वैसे नॉर्मली 600 रुपये 450 रुपये पर बंदे। देखो और ग्रुप आ गया पीछे से, मतलब चलता रहता है बराबर राफ्टिंग यहाँ से ना। फिर ये गाड़ी से लाते होगे ऊपर उठा के बाद में। हाँ ये फिर वहाँ से 12 किलोमीटर दूर से गाड़ी लेके जाएंगे, फिर गाड़ी आएगी। तो ये दोस्तों हम नीलकंठ वाला रूट हमने छोड़ दिया पीछे, और अब हमने केदारनाथ वाला रूट पकड़ लिया है। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ का रूट फिर आगे जाके अलग अलग होगा। तो अभी ये पुल है जिसके हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। ये अभी दोस्तों शिवपुरी से आगे निकल गए हम। ये देखो क्या मस्त व्यू है, ये पुल बनाया हुआ है पूरा लोहे का, यहाँ पे नीचे से नदी भी है और अलग ही नज़ारा है, एकदम मस्त। अब देखो बाइकर ही पूरा एकदम बाइकर घूम रहे हैं यहाँ पे गाड़ी में, अपना सामान वामान लाद के। केदारनाथ के रूट पे ही है, और अभी भी देखो ना बहुत बिजी रूट है, मतलब अभी भी लोगों का आना कम नहीं हुआ है। बरसात के बाद भी अब दबा के मतलब फिर से भीड़ शुरू हो गई है, और पूरे लोग जा रहे हैं, सब उसी रूट पर चल रहे हैं सब, केदारनाथ वाले पे ही। और पीछे तो काफ़ी लंबा लंबा जाम भी है। अगर आप आओ ना तो ये कौन सा वाला रूट से आना था, जो ऋषिकेश से ना आना? हाँ ऋषिकेश से नहीं, मत आना वो चिलाल रोड से आना। हाँ चिलाल रोड से आना, क्योंकि जो ऋषिकेश की तरफ से जाओगे ना तो वहाँ जाम मिलेगा आपको उस पर बहुत। तो चिला की तरफ से कोशिश करना आने की, क्योंकि अभी देखो कितना ट्रैफिक है, पूरा भर के चल रहा है रूट पीछे से ही है, ऊपर तो कैसे ही भर के चल रहा है पूरा। अभी खाना खा लेते हैं फिलहाल, मेरा फ़ोन। ये देखो जी इधर नज़ारा भाई, क्या नज़ारा है, बताओ इतनी बड़ी गंगा और यहाँ से कितनी सी दिख रही है। गंगा आ रही है, ये गंगा ही तो आ रही है। अच्छा जी इतनी बड़ी गंगा और यहाँ से कितनी सी दिख रही है, ऐसा लग रही है कि छोटा सा नाला चल रहा हो। वो जरा सा इतना सा, और आगे जाके तो पूरा पानी हो जाए इसमें, पूरा पानी जो मिलते चले जाना है, कई पॉइंट मिलते चले जाए आपस में गंगा पहाड़ों का रिस्क में चला जाएगा। हाँ ये आगे भी जाके मिलेगी, इधर तो पूरा एकदम धुंध सी हो रही है। धुंध हो रही है, धूप क्या धुंध हो रही है, धूप हो रही है पता नहीं, गर्मी भी हो रही है और धुंध भी हो रही है। ये लो भाई अपना खाना आ गया है दोपहर का, दाल चावल राजमा चावल है, अचार प्याज, रोटी तो थी नहीं वैसे, मगर दाल चावल ही लो भाई। अरे फिर ये भी ना मिला आगे मगर। दो प्लेट है चावल, राजमा चावल, रोटी तो देती है शायद, ये किसी और का है, हाँ वो किसी और का है खाना। अच्छा मगर खा रोटी तो मिल रही थी मगर। अच्छा बना रहे, ये लो भाई। हाँ खाना वाना हो गया भाई, ये ट्रैवलिंग वाले ना। हाँ ट्रैवलिंग वाले का खाना। हाँ तो दोनों भाइयों ने खाना खा लिया और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। खाना बड़ा बढ़िया था उत्तराखंडी, भाई को तो और भी कुछ पसंद आ गया था यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, अगले साल ब्याह करवा देंगे वहीं से लेके चलेंगे। तो अभी रह गया हमारा सफ़र 152 किलोमीटर दिखा रहा, क्योंकि टाइम लगता है चढ़ाई है ना, तो बहुत टाइम लगता है चढ़ाई में। गाड़ी 10 का एवरेज निकाल रही है, आधा कर दिया और एवरेज आ रहा है किलोमीटर पर का 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा आगे का नज़ारा देखो, ये देखो पहाड़ कटे पड़े हैं पहाड़ तो। पर एक चीज़ है दोस्तों, केदारनाथ पे आऊँ ना भाई पूरी तैयारी से आना, अपनी गाड़ी वाड़ी फिट लेके, क्योंकि इतने जाम भी मिलेगा, पहाड़ खिसके हुए मिलेंगे। अब भी पहाड़ जो है पड़े हुए हैं सड़क के किनारे कई जगह। तो सोनप्रयाग में रुके हुए हैं, और अभी आप देखो सामने उधर ये भागीरथी है, इधर इस तरफ अलकनंदा है, और यहाँ पर ये गंगा का उद्गम स्थल है। वहाँ से आगे ना ये गंगा बन जाती है, अब आप देखो उधर की तरफ ये गंगा जा रही है। दोनों का पानी देखो बिल्कुल अलग अलग है कलर, इधर का बिल्कुल नीला पानी आ रहा है, उधर से थोड़ा सा जो बरसात टाइप का आता है ना मिट्टी वाला वो आ रहा है हल्का सा, और दोनों का पानी एक साथ चमक रहा है बिल्कुल अलग अलग। ये देवप्रयाग है जहाँ से माँ गंगा का जो नामकरण है वो होता है आगे की तरफ, क्योंकि इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथी आ रही है, ये दो नदियों के संगम के बाद से ये माँ गंगा का आगे की तरफ जो प्रवाह है वो बहता है। के लोग हैं पूरे देवप्रयाग वाले बसे हुए हैं उधर। इधर है कि गवर्नमेंट कॉलेज भी बनाया गया है, कितना खूबसूरत कॉलेज बनाया गया है यहाँ पे पहाड़ के बिल्कुल नीचे। ये शायद सरकार की तरफ से बनाया गया है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, और ठीक इसी के नीचे माँ गंगा का यहाँ से प्रवाह बहता हुआ वहाँ से संगम के बाद, और तो पूरा ये शहर है। दरअसल हम अभी देवप्रयाग में थे और यहाँ से अभी आगे की तरफ निकले गए।
तो ऋषभ भाई कैसा लग रहा है नजारा देख के इधर? भाई मजा आ गया पूरा, मतलब बढ़िया है ना एकदम। हाँ, ये भागीरथी और ये अलकनंदा, मतलब अभी तक हमने वीडियो में देखा था ये सब, जब वीडियो में देखा था ऐसा लग रहा है एक साइड से दूध आ रहा है और एक साइड से पानी। हाँ, इस तरीके से संगम ऐसा है, दूध और पानी का संगम हो रहा है, अलग ही नजारा। हाँ, ठंडा पानी की जो, और मजे की बात पता क्या, जो वहाँ से अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है ना, तो आगे रंग बिल्कुल सारा पूरा भागीरथी का, अलकनंदा अलकनंदा ने अपने मिला लिया हो, जैसे भागीरथी को अपने अंदर समा लिया हो, उनका रंग खत्म हो जाता है और लोग वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे आप जा भी सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा घूम के आपको, उधर जाना पड़ेगा उतर के सीढ़ियों से, काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा 15-20 मिनट। और बाकी आगे आप चले जाओगे तो केदारनाथ पहुँच जाओगे, बद्रीनाथ, और ये पूरा देवप्रयाग शहर बसा है। जरूर यहाँ जरूर आए। हाँ।